एसी जनरेटर से जब हम लोग ई साइन ओमेगा या जिसको मैंने जनरल फॉर्मेट में लिखा था वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस वाई, इसको जब हम सर्किट में लगाते हैं तो जो भी सर्किट है जिसमें कैपेसिटर है, इंडक्टर है, रेजिस्टर है, उन सबका जो नेट अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट आता है उसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं। अब शायद जब मैंने इम्पीडेंस तुम लोगों को बताया होगा उतना क्लियर नहीं होगा, बट अब जब तुम सर्किट करना स्टार्ट कर चुके हो, रेजिस्टिव हो, कैपेसिटिव सर्किट करे, तो तुम्हें क्लियर हो रहा होगा कि अलग अलग सर्किट का इम्पीडेंस अलग अलग होता है, इसका कोई एक सिंगल फॉर्मूला नहीं है, मतलब अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने तुमको बताया था कि नेट अपोजिशन में अगर इंडक्टर और कैपेसिटर का कॉन्ट्रीब्यूशन देखोगे तो उसको रिएक्टेंस कहते हैं। और दो टाइप का होता है, एक होता है इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, और एक होता है कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। और बाकी एक रेजिस्टेंस का रेजिस्टर का रेजिस्टेंस R तो हमें पहले से पता है। तो मैंने बोला था कि अगर तुम किसी AC सर्किट में V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा T फीड करो, अच्छा हमेशा याद रखना वोल्टेज फीड किया जाता है, क्यों? क्योंकि वोल्टेज जो AC जनरेटर में हमें पैदा होता है, AC जनरेटर में हमने प्रोड्यूस किया, वो इंड्यूस्ड EMF जो हम लोगों ने AC जनरेटर किया था, मैंने बताया था ऐसे कॉइल्स जो तुमने मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराया था, कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराया था, तो रोटेशन कराने के बाद इसमें फ्लक्स चेंज होता है और फ्लक्स चेंज होने से EMF इंड्यूस होता है। तो ये EMF जब सर्किट में फीड किया जाएगा तो हमें करंट मिलेगी, मतलब वोल्टेज इनपुट है, करंट आउटपुट है, और एक करंट मैंने लिखा था आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस वाई, वोल्टेज के साथ फेज डिफरेंस रख सकती है। उसको मैंने प्लस माइनस वाई लिख दिया था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि प्लस है कि माइनस है या जीरो है, वो अलग अलग सर्किट में अलग अलग होगा। और ये भी बताया था कि आई नॉट और वी नॉट के रेशियो को जेड बोलते हैं, मतलब जैसे वी अपॉन आई आर बोलते थे, यहाँ पे वी नॉट अपॉन आई नॉट को जेड बोलते हैं। V अपॉन आई नहीं, क्योंकि V और I की तो वैल्यू हर समय बदलती रहती है, तो हम लोग पीक टू पीक या RMS टू RMS देखते हैं। फिर मैंने बताया था कि वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस लीडिंग लैगिंग सिनेरियो हो सकते हैं। फिर एक पावर कंजम्पशन कराया था, वो तब कराया था जब मैं तुम्हें फेज डिफरेंस बताई नहीं थी कि क्यों आती है, लेकिन तब भी मैंने तुमको करा दिया था क्योंकि मैं हर सर्किट में उसका यूज करना चाहता था। यह आया था वी आर एम एस आर एम एस कॉस वाई, फाइव फेज डिफरेंस और कॉस वाई पावर फैक्टर कहलाता था। फिर मैंने इसका यूज भी बताया था कि अगर फेज डिफरेंस जीरो हो तो पावर कंजप्शन मैक्सिमम है, फेज डिफरेंस 90 हो तो पावर कंजप्शन जीरो है। एक ऐसी करंट जिसमें वी भी होगा आई भी होगा बट पावर नहीं है, मतलब वॉटलेस करंट। अब मैं तुमको उनको यूज कराने जा रहा हूँ। मैंने तुमको लास्ट क्लास में प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कराया था, और मैंने प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में तुमको बताया था कि कैसे जब हमने किरचॉफ लॉ लगाया तो जो करंट हमारी आई उस करंट का फेज डिफरेंस जीरो आ रहा था। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में कोई फेज डिफरेंस नहीं था करंट और वोल्टेज के बीच में, मतलब जब वोल्टेज जीरो तो करंट जीरो, वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट मैक्सिमम, वोल्टेज रिवर्स मैक्सिमम तो करंट रिवर्स मैक्सिमम, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, सेम फेज में रजिस्टर कोई भी फेज डिफरेंस नहीं लाता, मतलब वो जो हमने EMF लगाया उसके बिहेवियर को बिल्कुल चेंज नहीं करता। और हमने इम्पिडेंस भी निकाला था प्योरली रजिस्टिव सर्किट में, इम्पिडेंस रजिस्टर के रजिस्टेंस 10 ओम 20 ओम जो भी दे रखा उसी के बराबर आता है। अब अगर फेज डिफरेंस जीरो है, करंट और वोल्टेज एक ही डायरेक्शन में, मैंने बताया ना कि फेजर की तरह दिखा सकते हैं, वेक्टर की तरह, वी नॉट आई नॉट, तो पावर फैक्टर 1 आता है। और देखो मैक्सिमम रेट से पावर कंजप्शन हो रहा है, और ये वही फॉर्मूला बनना है, वी स्क्वायर बाई आर या आई स्क्वायर आर, बट यहाँ पे वोल्टेज की कौन सी वैल्यू, तो जो लगातार वोल्टेज बदल रहा है, लगातार करंट बदल रहा है, तो उसकी एवरेज नहीं लेते, पावर में हमेशा RMS वैल्यू आती है। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर हम कोई सर्किट यूज करेंगे तो उसमें जो RMS होता है पावर के लिए इफेक्टिव वैल्यू है। एक क्वेश्चन भी तुम लोगों को कराया था जिसे मैंने इंस्टेंटेनियस भी पूछा था, एवरेज भी पूछी थी करंट की वैल्यू, पीक भी पूछी थी, पीक मतलब मैक्सिमम पूछी थी, एम्पलीट्यूड पूछी थी, RMS भी पूछी थी, फेज डिफरेंस भी पूछा था, पावर भी पूछा था, पावर फैक्टर भी पूछा था, ये तुम लोगों ने कर लिया था। फिर मैंने बोला था कि अगर हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को AC सर्किट में यूज करेंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वो गैल्वेनोमीटर जो DC सर्किट में यूज होता था, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर AC सर्किट में वर्क नहीं करते, हिलते ही नहीं, यार एक कॉइल एक सेकंड में 50 बार कहां भाई, एक साइकिल में देखो करंट अपनी डायरेक्शन बदल देती है, बढ़ रही है घट रही है, तो एक सेकंड में 50 साइकिल हो जाती है, यानी कि 50 बार प्लस 50 बार माइनस, तो 100 बार घूमना ये ऐसे, और वो भी वेरिएबल करंट में, ये नहीं होता ओवरऑल, ये इसकी एवरेज करंट जीरो मान के अपनी डायरेक्शन बिल्कुल नहीं, इसकी जो करंट की डायरेक्शन है उसकी एवरेज वैल्यू जीरो मान के करंट की डायरेक्शन क्लॉक और एंटी क्लॉक नहीं करता और घूमता भी नहीं है, वो भी गैल्वेनोमीटर वर्क ही नहीं करता, इस पर टॉर्क ही नहीं लगता घुमाने के लिए, ये ऐसे कैसे खड़ा रहता है।
तो इसलिए हम एसी सर्किट में एक दूसरे टाइप के गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, हॉट वायर गैल्वेनोमीटर, जो कि हीट पे वर्क करते हैं। और जब हीट पे वर्क करते हैं तो वो उनको करंट की डायरेक्शन से मतलब ही नहीं, इधर जाए इधर जाए, वो तो हीट मेजर करेंगे। और वो हीट मेजर करते हैं आरएमएस वैल्यू के ऊपर, जूल हीटिंग। इसलिए मैंने बोला था कि आरएमएस इज इफेक्टिव वैल्यू कहलाती है, या फिर तुम्हारी जो बोलना चाहिए कि इफेक्टिव वैल्यू भी है, आरएमएस पावर कंजम्पशन वाली वैल्यू भी है, और जो हॉट वायर गैल्वेनोमीटर रीड करता है, एसी सर्किट में यही लगाए जाते हैं हॉट वायर गैल्वेनोमीटर, हमेशा याद रखना वो आरएमएस वैल्यू रीड करते हैं। अब घरों में जो वोल्टेज आता है, मैंने कई बार बताया था 220√2sin100πt, इंडिया का डोमेस्टिक वोल्टेज की इक्वेशन है जो घरों में एसी आता है, तो इसमें ये 220√2 वी नॉट है, पीक वैल्यू है, इसको √2 से डिवाइड करोगे तो आरएमएस आएगा, वी आरएमएस वी नॉट बाय √2। इसलिए घरों में जो वोल्ट मीटर लगाया जाता है वो जो हम लोग के इलेक्ट्रीशियन के पास होता है, वो आरएमएस वैल्यू यानी कि 220 रीड करता है, जबकि वोल्टेज 220 से ज्यादा भी हो सकता है किसी मोमेंट पे, लेकिन वो जो रीड कर रहा है अपने घर में वो 220 वोल्ट रीड कर रहा है। फिर मैंने तुमको बताया था कि कैपेसिटिव सर्किट में ऐसा क्या डिफरेंट होता है, क्या कैपेसिटर इंडक्टर में ऐसा डिफरेंट है कि फेज डिफरेंस जैसी चीज आने लगती है, तो मैं बता रहा था, फिर से बता रहा हूँ। वी नॉट साइन ओमेगा टी मैंने कैपेसिटर में फीड कर दिया, कैपेसिटर में कुछ चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू किसी मोमेंट पे, और डी टी टाइम में डी क्यू चार्ज और आ रहा है, तो मैंने इक्वेशन लिखी वी नॉट साइन ओमेगा टी, कैपेसिटर पे वोल्टेज क्यू इक्वल टू सी वी से क्यू बाई सी, तो वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस क्यू बाई सी जीरो, मतलब जितना यहाँ वोल्टेज का गेन होगा वहां पर ड्रॉप होगा, भाई किरचॉफ लॉ ये तो कहता है कि सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप एंड गेन इन ए क्लोज लूप इज जीरो, तो वी नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्यू बाई सी, इसको इधर ले आओ क्यू इज इक्वल टू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी से ये आया कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी को मैंने साइन 90 प्लस थीटा लिख लिया क्योंकि मुझे कंपेयर करना था इस फॉर्म से, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, तो देखो यहाँ पे जो जेड आया वो आ रहा है 1/ω c, और अब मैं ये लाइन बोलने जा रहा हूँ कि जो इम्पिडेंस आ रहा है, क्योंकि यहाँ रजिस्टर तो है नहीं, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, प्योर प्योर कैपेसिटर, इसीलिए मैंने बोला रजिस्टर नहीं है तो जुलेटिंग नहीं है। तो किसी ने बोला था कि सर हम जब कैपेसिटर में वी वोल्टेज की बैटरी लगाते हैं तो हमने तो ऐसा पढ़ा था कि वर्क डन बाय द बैटरी सी वी स्क्वायर होता है, स्टोर हाफ सी वी स्क्वायर होता है, हाफ सी वी स्क्वायर का लॉस होता है, तो मैंने क्या बोला था हाफ सी वी स्क्वायर का लॉस होता है तो लॉस कैपेसिटर थोड़ी ना करता है, वो कनेक्टिंग वायर्स करते हैं उनमें रेजिस्टेंस होता है, ये प्योरली कैपेसिटिव है, यहाँ पे कोई लॉस नहीं होगा, यहाँ पे रजिस्टर है ही नहीं, क्योंकि हम प्योरली कैपेसिटिव का मतलब है ना रजिस्टर है ना इंडक्टर है, कुछ नहीं मानना है। अब ऐसे सर्किट में जो इम्पिडेंस है तो देखो आना है तो कैपेसिटर दे रहा है, और कैपेसिटर जो अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट देता है उसे बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला आ गया 1/ω c, या ये मैंने तुमको लास्ट क्लास में यहीं पे छोड़ा था, और फेज डिफरेंस आ गया 90 डिग्री, और कंपेयर करो तो +90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ रहा है, और हमेशा याद रखो कि प्लस का मतलब क्या है, यानी कि कोई चीज आ गई तो ये भी बोलना पड़ेगा कौन आ गया, देखो करंट में प्लस आ रहा है यानी कि हमें लिखना पड़ेगा इसके ब्रैकेट में करंट लीड्स द वोल्टेज, आगे प्लस फेज डिफरेंस का मतलब होता है लीड करना, करंट लीड्स द वोल्टेज बाई ए फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री, तो ये भी याद रखना पड़ेगा लीड कौन कर रहा है, तो हमेशा याद रखना वोल्टेज मानना है तो करंट कैपेसिटर में, इसलिए आईसी लिख देते हैं, कैपेसिटर में करंट आगे आगे भागती है, अभी थोड़ी देर बाद इंडक्टर कराऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा कि वोल्टेज आगे आगे भागता है, तो यहाँ पे करंट आगे भागती है कैपेसिटर में 90 डिग्री से, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ω c है, पहले इस पे भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ये यहां तक क्लिक लगा ना सबने, कैपेसिटिव रिएक्टेंस करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री, बोले बेटा यहां तक सब, हाँ चलो तो इसके आगे बढ़ जाऊं मैं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, नो सर, ये तो रिवीजन करा रहा था अब यस ताकि सर, तुम लोग, हाँ तो देखो मैं तुमको एक चीज बताना चाहता था कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो आता है 1/ω c, उसमें फ्रीक्वेंसी का रोल तुमको बताना चाहता था, और ये इंपॉर्टेंट है, देखो ओमेगा तुम्हें मालूम है फ्रीक्वेंसी से 2π f है, हमारे घरों में आता है 50 हर्ट्ज, बट अगर मैं तुमसे बोलूं तुम लैब में बैठो जहां पर फ्रीक्वेंसी बदल सकते हो, तो एक्सी का ओमेगा के साथ क्या रिलेशन है, तो तुम देख रहे हो कि एक्सी का ओमेगा के साथ रिलेशन है इनवर्स का, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सी घटेगा, और तुम्हें मालूम है इनवर्स के ग्राफ क्या बनते हैं, क्या बनते हैं बोलो इनवर्स के ग्राफ, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, हाँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनते हैं, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ है। अब ये ग्राफ का रोल क्या है, मैं क्यों तुम लोगों को बता रहा हूं, तुमको बुक में कई ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जब करने बैठोगे कि अगर हम एक कैपेसिटिव
सर्किट में फ्रिक्वेंसी बढ़ाए तो पूछेंगे क्या होगा, ऐसे जेई मेन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्या करोगे तुम? बोलोगे कि अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ी, ये देखो एक्सी घटा, एक्सी घटा तो यानी कि हमारा, मैं यहाँ पे पूरी लाइन लिख देता हूं, अगर मैंने फ्रिक्वेंसी बढ़ाई, ओमेगा बढ़ा तो एक्सी घटा, जेड घटा क्योंकि एक्स ही सर्किट का जेड है इस समय, और अगर जेड घट गया तो आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई जेड से, वी वही फिक्स वोल्टेज हमने फीड किया था, फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पे रिएक्टेंस घट रहा है यानी कि अपोजिशन घट रहा है यानी कि जेड घट रहा है, तो अगर जेड घटेगा तो करंट बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी, और अगर करंट बढ़ेगी तो जो करंट से रिलेटेड फिनोमेना होंगे, जैसे तुमको बताऊंगा पावर कंजम्पशन, अभी तुम लोगों को पावर कंजम्पशन नहीं बताया मैंने, लेकिन अभी तुम ये मान के चलो वॉटलेस, मैं सिर्फ कैपेसिटिव सर्किट की नहीं बात कर रहा हूँ, अगर बल्ब भी होगा तो वहां पे पावर कंजम्पशन बढ़ता है, बट अभी तुम अपने वो भूल जाओ, अभी तुम सिर्फ इतना याद रखो कि करंट बढ़ेगी। अगर मैं उल्टा करूं, फ्रिक्वेंसी घटाऊं, बहुत कम कर दूं, टेंडिंग टू जीरो कर दूं, स्मॉल फ्रिक्वेंसीज पे, वेरी स्मॉल फ्रिक्वेंसीज पे, वेरी स्मॉल फ्रिक्वेंसी पे देखो एक फिनोमेना होता है, वेरी स्मॉल फ्रिक्वेंसी पे तुम्हारा एक्सी बहुत लार्ज होने लगता है, ये देखो इधर जा रहा है इन्फिनिटी, टेंजेंट एसिम्प्टोटिक कर रही है, एक्सी इन्फिनिटी की तरफ भागेगा, और एक्सी इन्फिनिटी भागेगा तो जेड इन्फिनिटी भागेगा, तो जो आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई जेड रखोगे, तो जब इतना ज्यादा अपोजिशन है ये आएगा, मतलब जैसे मेगा ओम में आ रहा है तो बहुत ज्यादा है, इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है जेड, तो ये करंट जीरो की तरफ ट्रेंड करेगी। अब अगर करंट जीरो की तरफ ट्रेंड करेगी यानी कि तुमने एक एसी सर्किट है और तुमने इसमें बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का सर्किट है, उस हाई फ्रीक्वेंसी, सॉरी हाई फ्रीक्वेंसी नहीं, लो फ्रीक्वेंसी का सर्किट, हाई फ्रीक्वेंसी में तो जा ही रहता, बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी का सर्किट है, और इस लो फ्रीक्वेंसी के सर्किट में तुमने कैपेसिटर लगाया हुआ है, अब मुझे बताओ इस लो फ्रीक्वेंसी के सर्किट को, विनोड साइन ओमेगा टी को अगर मैं कैपेसिटर में फीड करूंगा तो कैपेसिटर कोई करंट देगा कि टेंडिंग टू जीरो करंट देगा? टेंडिंग टू जीरो। अब देखो तो मैं तुम्हें इसका यूज बता रहा हूं, टेंडिंग टू जीरो, अगर ये टेंडिंग यानी कि ये जो कैपेसिटर है ये सर्किट को ब्लॉक कर देगा, सर्किट को ब्लॉक कर देगा। अभी थोड़ी देर बाद मैं तुमको इंडक्टर बताऊंगा, वहां पे बताऊंगा कि वो हाई फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक कर देता है, कैपेसिटर लो फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक कर देता है। तो कई बार क्या होता है कि हमारे घरों में जो करंट आती है 50 हर्ट्ज, उससे जो एसी पावर हाउस है उसमें कई बार हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी के भी वेव्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो हम उस पावर स्टेशन से आने से पहले करंट जब हमारे घरों में आती है तो कैपेसिटर लगाते हैं। अभी तो भी तुमने देखा होगा पावर स्टेशन देखा होगा, एक बड़ी सी उनकी एक रीजन होता है, तो तुमने देखा होगा ऐसे गोल गोल घूम की एक चीज लगी रहती है, देखा होगा खूब सारी लगी होती है इस टाइप से, ऐसे लगी होती है कॉइल टाइप की, देखिए पावर स्टेशन देखा होगा ऐसे घूम घूम के ऐसे काफी सारी चीजें लगी होती है, ऐसे पोल्स पे काफी सारी चीजें लगी होती है पावर हाउस के आसपास, देखो जो घरों के आसपास एक पावर स्टेशन होता है वो जो लगी होती है वो एक्चुअली कैपेसिटर और इंडक्टर के सेट्स होते हैं, और उनका काम होता है लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी, जैसे मान लो 50 हर्ट्ज है तो 50 हर्ट्ज से बहुत लो, मतलब जैसे इधर 0 से 5 10 हर्ट्ज वाली, और 50 से बहुत ज्यादा जैसे 100,000 हर्ट्ज वाली, ऐसी फ्रीक्वेंसीज को हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं कैपेसिटर के थ्रू। कैपेसिटर लो फ्रीक्वेंसीज का ब्लॉकर होता है, इट ब्लॉक्स लो फ्रीक्वेंसीज, क्यों? क्योंकि लो फ्रीक्वेंसीज पे ये तुम्हारा एक्सी इन्फिनिटी की तरफ ट्रेंड करता है। अच्छा मुझे बताओ एक डीसी वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज कभी भी वाइब्रेट नहीं करता, मान लो जैसे मैंने एक डीसी वोल्टेज लगा दिया 10 वोल्ट का, अब इसको मैंने एक कैपेसिटर के साथ लगा दिया, एक डीसी वोल्टेज को अगर मैं बोलूं कि उसको डीसी नहीं एसी की तरह बोलो, तो कैसा एसी बोलोगे? एक कैसा एसी बोलोगे जिसकी फ्रीक्वेंसी इन्फिनाइट है, बहुत जल्दी जल्दी वेरी कर रहा है, या बिल्कुल वेरी नहीं कर रहा तो फ्रीक्वेंसी जीरो बोलोगे? एक डीसी किसके इक्विवेलेंट होगा, इन्फिनाइट फ्रीक्वेंसी की जीरो फ्रीक्वेंसी? जीरो, जीरो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि कोई कोई ऑसिलेशन ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल, कोई साइकिल नहीं है। अगर एक डीसी जीरो फ्रीक्वेंसी की तरह है, यानी कि डीसी सर्किट में कैपेसिटर का जो एक्सी होगा 1/ωc से इन्फिनाइट होगा, इसलिए डीसी सर्किट में करंट v/∞ से जीरो होगी, इसीलिए जब कैपेसिटर स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाते हैं, बहुत माइक्रो टाइम रहता है जिसमें कैपेसिटर चार्जिंग होती है, इसीलिए जब डीसी सर्किट कैपेसिटर, जब डीसी सर्किट में कैपेसिटर लगाए जाते हैं तो उनमें स्टेडी स्टेट यानी कि फाइनली
वो भी बहुत मिली सेकंड के बाद वो फाइनली आ जाता है, करंट जीरो हो जाती है. क्यों? क्योंकि कैपेसिटर बिहेव्स एज ए इनफिनाइट रेजिस्टेंस. कभी भी डीसी सर्किट में कैपेसिटर का, कई लोग बोल सकते हैं कि सर ये हमने यहाँ पे रिएक्टेंस के नाम की एक नई चिड़िया ला दी, ये रिएक्टेंस नाम की चिड़िया वहां तो एग्जिस्ट नहीं करती थी. तो मैं तुमको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिएक्टेंस डीसी में भी होता था, अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, और एक कैपेसिटर का रिएक्टेंस अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट इनफिनाइट होता था डीसी में. इसीलिए तुम्हारा करंट जीरो हो जाती थी, जब तुम्हारा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता था तो करंट जीरो हो जाती थी. तो अगर ये चीज समझ में आ गई तो और आगे बढ़ते हैं. मैंने तुमको बताया कि एक तो मैंने तुमको बताया था कि XC की वैल्यू 1/ωC होती है, एक फेज डिफरेंस पाई बाय 2. अब मैं फेज डिफरेंस पाई बाय 2 वाली चीज पे जा रहा हूँ. फेज डिफरेंस पाई बाय 2 वाली चीज में तुमको मैं बताऊंगा कि ये फेज डिफरेंस है क्या. मैंने लिखा था V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. ये बना रहा हूँ तुम्हारे सामने, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी बनाने जा रहा हूँ. ये है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और उसी के नीचे तुम्हारा आई वाला भी बनाऊंगा. ये देखो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे ये V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. आई जो आया है मेरा वो आया आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. अब बताओ जब मैं शुरुआत में इस चैप्टर के बिगनिंग से पहले ये ग्राफ बनवा रहा था तो मैंने तुम लोगों को बोला था कि इधर पाई बाय 2 जोड़ने से बताओ ग्राफ किधर शिफ्ट होता है, ऊपर शिफ्ट होता है, नीचे शिफ्ट होता है, कि एक्सिस का लॉन्ग शिफ्ट होता है. कॉपी में देखो लेफ्ट वर्ड. हाँ, ये भी बोला था कि जब ये प्लस होता है तो ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट होता है, जब ये माइनस होता है तो ग्राफ राइट शिफ्ट होता है. याद करो बिल्कुल पहली दूसरी क्लास में, इनफैक्ट सेकंड क्लास में. अब ये बताओ मुझे इस ग्राफ को पकड़ के कहां शिफ्ट कर दें. ये वी का ग्राफ है, ये पाई बाय 2 प्लस है लेकिन आगे नहीं बढ़ाना है, ये पाई बाय 2 प्लस है, लेफ्ट में शिफ्ट होगा. लेफ्ट में शिफ्ट होने का मतलब है कि इधर ले जाना है, और कितने एंगल, 90 डिग्री. ये दिख रहा है, ये जीरो है, ये 90 है, 90 डिग्री लेफ्ट यहां से स्टार्ट. और मैं इसके जस्ट नीचे नीचे बना रहा हूं बिल्कुल मैचिंग कर, इसके 90 ऐसे होगा, मैच कराते हो. जब ये वोल्टेज जीरो है, साइन जीरो पे जीरो, यहां जीरो रखोगे तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन पाई बाय 2 साइन 90 की वैल्यू 1, करंट मैक्सिमम होगी. ये वोल्टेज है, ये करंट है. इसमें कैपेसिटिव सर्किट में जब वोल्टेज जीरो है तो करंट मैक्सिमम है, जब वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट जीरो. जब वोल्टेज जीरो 180 पे तो 270 की माइनस 1 देगा, ये इसके जिस करस्पॉन्डिंग है. और जब ये यहाँ पे अपने रिवर्स मैक्सिमम पहुंचेगा तो ये जीरो. जीरो पे मैक्सिमम, मैक्सिमम पे जीरो, जीरो पे रिवर्स मैक्सिमम, फिर इसके रिवर्स मैक्सिमम पे जीरो, फिर जब ये इधर पहुंचेगा ऐसे. जब ये जीरो तो ये मैक्सिमम. याद है मैंने तुम लोगों को बोला था कि जीरो मैक्सिमम वाले को 90 डिग्री का फेज डिफरेंस बोलते हैं. यस सर. हाँ वही बता रहा हूं मैं, जीरो 90 वाले को, जीरो और एक चीज जीरो हो और दूसरी चीज मैक्सिमम हो तो उसको 90 डिग्री का फेज डिफरेंस बोलते हैं. मैंने बोली थी, अब बोला तुम्हारे सामने, जब कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज जीरो है तो करंट मैक्सिमम, जब वोल्टेज मैक्सिमम करंट जीरो, वोल्टेज जीरो करंट रिवर्स मैक्सिमम, मैक्सिमम ही है लेकिन जब ये मैक्सिमम तो ये जीरो, ये मैक्सिमम तो ये जीरो. तो ये वाला जो है फेज डिफरेंस 90 कहला रहा है, और करंट 90 डिग्री लीड कर रही है, करंट 90 डिग्री लीड कर रही है. लीड करने को मैथमेटिकली देखो यहाँ पे प्लस लिखा होगा, और लीड करने का मतलब है कि जब वोल्टेज जीरो है तो करंट लीड मतलब आगे आगे बढ़ के, आगे बढ़ गई 90 डिग्री, आगे बढ़ के वोल्टेज 90 डिग्री आगे क्या होता, मैक्सिमम तो होता, करंट मैक्सिमम हो गई. वोल्टेज अभी जीरो है बट करंट मैक्सिमम हो गई. इसी को आगे बढ़ के देखो 90 डिग्री आगे बढ़ के, इसी को बोलते हैं कि कैपेसिटर अगर लगा हो तो करंट उसमें 90 डिग्री आगे आगे की वैल्यू देता है. इसलिए कैपेसिटर में 90 डिग्री लीड करता है. कौन लीड करता है? करंट आई 90 डिग्री लीड करती है फ्रॉम वोल्टेज. ये देखो वोल्टेज 90 डिग्री बाद मैक्सिमम होता, करंट पहले. फिर जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो 90 डिग्री आगे क्या होता? जीरो होता. तो करंट उस समय जीरो हो गई है, 90 डिग्री आगे आगे चल रही है. और इसको अगर हम फेजर के टर्म में दिखाएं तो फेजर के टर्म में मैंने बताया था कि इन साइनसॉइडल क्वांटिटी को फेजर के टर्म में दिखा सकते हैं. तो एक रेफरेंस सेट किया करो और उसके बाद दिखाया करो. तो बेटा मैं देखो दिखाने जा रहा हूँ, वोल्टेज को रेफरेंस दिखाया मैंने, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी का पीक दिखाते हैं हमेशा जब इनको वेक्टर दिखाते हैं. फेजर, ये फेजर बनाने जा रहा हूँ. जब हम इनको फेजर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ये नहीं बोल रहे कि वोल्टेज और करंट वेक्टर हैं,
हम बोल रहे हैं कि उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने समझने के लिए। तो V is equal to V naught sin omega t, जब हम फेजर दिखाते हैं तो खाली इसका पीक दिखाते हैं और ये फेज डिफरेंस इनके बीच का एंगल बनता है। तो V naught दिखाए एक वेक्टर, एक I naught दिखाएंगे जो कि उससे 90 डिग्री प्लस है। अब तुम सबको ये चीज पता होगी कि जब हम एंगल प्लस में दिखाते हैं तो हम एंटी क्लॉक भागते हैं। तो ये देखो एंटी क्लॉक भागे 90 डिग्री और ये मैंने दिखा दी करंट की पीक वैल्यू I naught। इंस्टेंटेनियस नहीं दिखाते हैं कभी भी, जब हम साइनोसॉइडल को फेजर दिखाते हैं तो हम खाली पीक दिखाते हैं। अब ये बताओ, ये सिर्फ ये समझने के लिए करंट 90 डिग्री आगे आगे है, तो कभी जरूरी नहीं कि तुम ऐसे ही दिखाओ, तुम इस सर्किट को ऐसे भी दिखा सकते हो। रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन तुम वोल्टेज को जरूर तुम एक्स में दिखाओ, रेफरेंस लाइन वोल्टेज को वी नॉट इधर दिखा दो, तो अब उससे 90 डिग्री एंटी क्लॉक चले जाओ, तो अब करंट ऐसे दिखा दोगे। लेकिन ये याद रखना आईसी है, मतलब करंट कैपेसिटर वाली करंट है, कैपेसिटर वाली करंट है। तो कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है, तुम वोल्टेज जैसे दिखाना चाहो जैसे दिखा दो। देखो एक और रैंडम दिखा रहा हूं मैं, तो करंट ऐसे दिखा दो। कैपेसिटर में करंट वोल्टेज उसके वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होती है, चाहे तुम ये दिखाओ चाहे ये दिखाओ चाहे ये दिखाओ, रेफरेंस तुम कहीं भी दिखा दो उससे 90 डिग्री आगे दिखाओगे। ये बात अगर समझ गए तो तुम सारे आरएल आरसी एलसी आज ही कराऊंगा, डेट आज ही की डेट में कराऊंगा, समझ जाओगे। अगर ये चीज समझो, तीनों फिगर एक ही, सब में मैंने वोल्टेज से 90 डिग्री एंटी क्लॉक दिखाया करंट, सब में ये दिखाया। और ये इसी चीज को साइनसॉइडल में दिखाओगे तो ये मीनिंग मैंने बताया कि जैसे एक लाइन है तो वोल्टेज जब जीरो है, वोल्टेज अभी जीरो पे है, वोल्टेज अभी जीरो पे है और करंट अपने मैक्सिमम पे पहुंच गई। जैसे एसएचएम में पढ़ो, एसएचएम के हिसाब से कंपेयर करो तो वोल्टेज यहाँ पे है तो करंट 90 डिग्री उससे आगे भागा हुआ। ये जीरो डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये वापस आता है तो 170 होता है, ये 270 होता है, फिर वापस आता है तो यही 360 बन जाता है। तो जब वोल्टेज यहाँ है तो करंट 90 डिग्री आगे यहाँ है, इसीलिए बोलते हैं लीड कर रहा है। कई तरीके से बता रहा हूँ, ग्राफ पे बनाओगे ये है, फेजर के समय दिखाओगे तो ये। तो पहले बेटा इतना दिखा लो फिर और बताऊँ कैपेसिटिव सर्किट में। सर यहाँ पर वी नॉट फिक्स्ड है। वी नॉट बेटा पीक वैल्यू है, जैसे हम लोग घरों में 220 रूट 2 साइन 100 पाई टी, तो वी नॉट 220 रूट 2 हर समय उतना ही बना रहेगा। तो जो बदलती है वो वी नॉट नहीं है, बदलती वी है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू वी नॉट इसको बोलते हैं बेटा, इसको ये जो ना ये पीक वैल्यू ये वी नॉट है, ये प्लस वी नॉट है, ये माइनस वी नॉट, ये प्लस वी नॉट, ये माइनस वी नॉट, ये वाली इसको वी नॉट बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। ये आई नॉट है, ये जो होती है पीक वैल्यू, ये आई नॉट होती है। लेकिन ये आई है मोमेंट टू मोमेंट बदलने वाली इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। सर ये जो आपने सेकंड लिखा आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाय जेड, सर जेड कम होगा तो आई नॉट बढ़ेगा। जेड यहाँ पे इन्फिनिटी हो रहा है बेटा, ये वो अलग था, ये एक्ससी इन्फिनिटी हो रहा है ना, एक्ससी तो जेड है, यानी कि एक्ससी इन्फिनिटी यानी कि जेड इन्फिनिटी हो रहा है दूसरे केस में। वो दूसरा केस है, दूसरा केस है, उसमें फ्रिक्वेंसी बढ़ रही थी, इसमें फ्रिक्वेंसी घट रही है। फ्रिक्वेंसी घटी, ये देखो इधर आओ एरो, फ्रिक्वेंसी घटी तो एक्सी इन्फिनिटी, जेड इन्फिनिटी, और जेड इन्फिनिटी रखोगे तो करंट जीरो की तरफ तो जाएगा। यस सर, और पहली वाली लाइन में वी नॉट फिक्स्ड है। इसमें भी वी नॉट फिक्स्ड है, जेड बदल रहा दोनों में, उसमें वी नॉट, ये जो करंट है वो इन्फिनाइट की तरफ जा रही है। पूरी जो वैल्यू आएगी वो बहुत ज्यादा आएगी, इसमें पूरी जो वैल्यू आएगी वो बहुत कम आएगी।
बेटा लिख लिया सबने? यस सर। किसी का रहा तो नहीं बेटा? मैं आगे बढ़ जाऊं? वन मिनट सर, एक मिनट सर। ठीक है, रुको बेटा रुको। हमारे लैपटॉप में, जैसे अभी मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, तुम में से कई लोग लैपटॉप यूज कर रहे होंगे, तुमने देखा होगा कि लैपटॉप में जो पावर की केबल होती है, वो पावर की केबल जो हमारे लैपटॉप में आके जुड़ती है, तो उसमें एक गोल गोल, जस्ट जहाँ पे वो पावर केबल लैपटॉप में आके घुसती है, तो एक गोल गोल सी एक चीज होती है प्लास्टिक की, उसके अंदर है ना पावर केबल जैसे घुसने से पहले, उसमें सेम चीज होती है। एक्चुअली जो लैपटॉप के भीतर की इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है, उनमें अगर हम तो एसी करंट डाल लें इसमें, अगर उसमें हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी की करंट आ जाएंगी, तो हमारी जो अंदर मशीनरी है, जो सिलिकॉन चिप्स हैं, वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज पे तो काम करने के लिए बनी है, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी या बहुत कम फ्रिक्वेंसी उनको डैमेज कर सकती है। तो वो डैमेज से प्रोटेक्शन के लिए ये जो लूप है ना, ये रिंग टाइप की ये चीज लगाई जाती है, ये केबल में लगाई जाती है। ये क्या, इसमें इंडक्टर भी होता है और कैपेसिटर भी होता है। अभी इंडक्टर में बताऊंगा वो क्या करता है, जैसे ये लो फ्रिक्वेंसीज को ब्लॉक करता है, वो हाई फ्रिक्वेंसीज को ब्लॉक कर देता है। तो हमारे एसी, ये हमारे लैपटॉप में घुसने से पहले ये एसी करंट इस बीड से होके जाती है, बीड है ये, इस बीड से होके जाती है, और इस बीड का काम है कि उन फ्रिक्वेंसी वेरिएशन को, हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक कर देना। एक तरीके से ये फिल्टर की तरह काम करते हैं, कैपेसिटर लो फ्रिक्वेंसी को फिल्टर कर देता है, इंडक्टर हाई फ्रिक्वेंसी को फिल्टर कर देता है, और एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी मतलब बाकी सारी फ्रिक्वेंसी को पास कर देता है। तो ये फिल्टर और पास की मैकेनिज्म है। फिल्टर देखा है, एक पर्टिकुलर चीज को पास कर देना, दूसरी चीज को पास ना करना, है ना। तो ये फिल्टर और पास की मैकेनिज्म की तरह करते हैं कैप्चर और इंडक्टर कई जगह, इसलिए कैप्चर और इंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होते हैं। वही एप्लीकेशन में तुमको बता रहा था कि कैप्चर लो फ्रिक्वेंसीज का ब्लॉकर है, हाई फ्रिक्वेंसीज को पास कर देता है बड़े अच्छे से, इंडक्टर उल्टा करेगा बाद में। तो इसको, इससे हम लोग पावर स्टेशंस में लगाते हैं, इसको हम लोग लैपटॉप में, देखो मैंने बताया ये दो एग्जांपल, ऐसे बहुत जगह है हम इसके थ्रू चीजों में कंट्रोल करते हैं। बोलो बेटा लिख लिया सबने? यस। तो आगे बढ़ रहा हूं, देखो मैंने बोला फेज डिफरेंस आया 90 डिग्री। अब अगर फेज डिफरेंस 90 है तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन ए साइकिल, इसको याद कर लो, वी आर एम एस, आई आर एम एस, कॉस फाई। मैं इतनी बार बोलूंगा कि तुमको याद हो जाएगा, वी आर एम एस, आर एम एस, कॉस फाई। फेज डिफरेंस 90, पावर फैक्टर कॉस फाई, कॉस 90। किसी ने पूछा था पावर फैक्टर बताता क्या है, तो अब देखो तो क्लियर होने लगेगा। रजिस्टर में पावर फैक्टर मैक्सिमम आया था जब करंट और वोल्टेज सेम फेज में थे। यहाँ करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस 90 है, कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो एक कैपेसिटर में पावर फैक्टर जीरो आ रहा है, पावर कंज्यूम्ड इन ए साइकिल जीरो आ रहा है। इसका मतलब एक साइकिल में कोई पावर ही नहीं कंज्यूम हुआ। भाई हमारे दिन में, एक दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड, और एक सेकंड में ऐसी 50 साइकिल पूरी हो रही हैं, ऐसी 50 साइकिल पूरी हो रही हैं, ऐसी एक साइकिल, ये एक साइकिल, और ऐसी 50 साइकिल पूरी हो, तो हर साइकिल में एवरेज, ऑन एवरेज कोई पावर ही कंज्यूम नहीं हुआ। तो ऐसी साइकिल जुड़ जुड़ के हमारा एक सेकंड से मिनट, घंटे, आर, दिन, हफ्ते, महीने, पूरे साल, यानी कि अगर एक कैपेसिटर को किसी सर्किट में लगा दो, इसी सर्किट में, तो ये तो कोई पावर ही नहीं कंज्यूम कर रहा है, कोई पावर नहीं कंज्यूम कर रहा, इसलिए इसका पावर फैक्टर जीरो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस 90 है, और एक्चुअल में ये तो मैथमेटिकल मीनिंग है, इसकी लॉजिकल मीनिंग ये है कि ये जो तुम्हारा हमने एसी सोर्स बनाते हैं, जब ये देखो पॉजिटिव है आधी साइकिल में, और आधी साइकिल में ये नेगेटिव है, जब ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, देखो ये पॉजिटिव वाली प्लेट पॉजिटिव से कनेक्टेड, नेगेटिव वाली नेगेटिव, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में, ऐसे आएगी आधी साइकिल में, फील्ड इधर आएगी, तो ये एनर्जी स्टोर करेगा, कितनी करेगा, Q²/2C, ½CV², ½QV, जो बोलना चाहो वो बोल दो। आधी साइकिल में जब ये ऐसे जाएगा, मतलब निगेटिव हो जाएगा, जीरो से नीचे हो जाएगा, तो ये माइनस ये प्लस,
इससे जुड़ी हुई ये वाली प्लेट माइनस ये वाली प्लेट प्लस, तो फील्ड अपनी डायरेक्शन रिवर्ट कर लेगी। और ऐसा कैसे हुआ होगा, जो प्लेट पॉजिटिव थी वो नेगेटिव पे कैसे पहुंच गई, तो पॉजिटिव पे जो चार्ज आया था वो निकल के जीरो हुआ और फिर निगेटिव हो गया। देखो जीरो से बड़ा पॉजिटिव, पॉजिटिव से जीरो, जीरो से निगेटिव, निगेटिव से जीरो, तो जीरो से जो चार्ज पॉजिटिव गया फिर वो वापस आके जीरो हुआ, फिर वो और इधर आके निगेटिव हुआ, फिर ये पॉजिटिव हुआ और फिर देखो वापस आ गया जीरो हो गया। तो ये जितना चार्ज यहाँ पे जमा होता था उतना ही चार्ज यहाँ पे वापस हो जाता है। एक साइकिल के बाद जीरो से स्टार्ट किए थे जीरो पे पहुंच गए, तो इसका मतलब है कि जितना इसने एनर्जी स्टोर की थी उतनी इसने वापस कर दी, और लॉस कराने के लिए कुछ ही नहीं, इस सर्किट से बाहर कुछ नहीं निकल रहा। रजिस्टर में जूल हीटिंग होती है, हीट समझ रहे हो, हीट, हीट को कोई पकड़ के नहीं रह सकता, एक बल्ब लगा हुआ उससे हीट चारों तरफ फैल जा रही है। कैपेसिटर में कुछ फैलने के लिए बाहर निकलने के लिए नहीं है, ये देखो अंदर कैपेसिटर की प्लेट के भीतर स्टोर होता है, वो भी अपनी डायरेक्शन बदल रहा है बार बार, कभी इधर है कभी इधर है, और फिर एक सर्किट के बाद एक साइकिल के बाद फिर से जीरो। इसलिए कैपेसिटर सिर्फ एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, जबकि रजिस्टर क्या था, एनर्जी डिसिपेटिंग डिवाइस है। डिसिपेट करने का मतलब लॉस करने वाला, मैं लिख दे रहा हूं, रजिस्टर जो है वो एनर्जी डिसिपेट करता है हीट के फॉर्म में, डिसिपेटिंग है। इसलिए जब रजिस्टर सर्किट में होते हैं तो पावर फैक्टर जीरो नहीं आएगा, भले थोड़ा सा हो, लेकिन जब एलओसी होते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, ये लॉस नहीं करते, ये एनर्जी के टैंक्स हैं, ये एनर्जी स्टोर करते हैं, और ये भी एनर्जी स्टोर भी नहीं कर रहे, एक साइकिल के बाद घूम फिर के वहीं आ जा रहे हैं। इसलिए सर्किट में एवरेज पावर कंजम्पशन जीरो है, जबकि करंट लगातार है। करंट लगातार का मतलब है होती है मोमेंट मोमेंट पे जीरो, लेकिन देखो करंट लगातार है, ऐसा तो नहीं कि परमानेंटली जीरो हो रही हो। तो ऐसी करंट को हम लोग बोलते हैं वॉटलेस करंट, वॉटलेस, वॉट नहीं है, वॉट में क्या होता है पावर होती है, जीरो वॉट है, इसलिए इसको बोलते हैं वॉटलेस करंट। ऐसी करंट जिसमें कोई वॉटेज ही ना हो, वॉटेज वोल्टेज नहीं, वॉटेज, ऐसी करंट जिसमें कोई पावर कंजम्पशन ना हो वॉटलेस करंट कहलाती है, जो कि सी में भी होगी, अभी देखेंगे एल में भी होगी। तो कैपेसिटर भी करता क्या, तो कैपेसिटर फेज डिफरेंस लाता है, करंट को 90 डिग्री आगे बढ़ाता है। कैपेसिटर में हम एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, कैपेसिटर फ्रीक्वेंसीज का ब्लॉकर है, लो फ्रीक्वेंसीज का ब्लॉकर है। अब अगर ऐसा कुछ है तो मैं तुमको इसका एक क्वेश्चन दूं, समझ में आ गया हो तो, ये समझ में आ गया कि अगर V is equal to V naught sin omega t फीट करेंगे तो कैपेसिटर में अगर तुमको I का एक्सप्रेशन लिखना हो तो तुम लिखोगे I is equal to I naught, I naught लिखना V naught by Z, sin omega t plus 90 डिग्री लिखना, करंट 90 डिग्री आगे चलती है, देखो करंट 90 डिग्री आगे आगे भागती है, करंट 90 डिग्री आगे आगे भागती, ये देखो आया था I is equal to I naught sin omega t plus pi by 2, और V naught by Z में Z क्या लिखोगे, तो Z is equal to XC is equal to 1 upon omega C purely capacitive circuit में। अगर ये समझ में आ गया तो मैं इसका एक क्वेश्चन दूं। सर एक्सक्यूज मी, सर इसे एनर्जी स्टोरेज डिवाइस क्यों बोलते हैं सर, एनर्जी तो कोई स्टोर नहीं हो रही है सर, नेट तो जीरो है ना। कैपेसिटर इन जनरल स्टोरेज एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, सिर्फ इस सर्किट की नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि इन जनरल वो कहीं एनर्जी लॉस नहीं कराता था कैपेसिटर, इन जनरल डीसी सर्किट में भी लॉस नहीं कराता था, तो जो लॉस होता था वो इन वायर्स में होता था, वायर 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 को तो रेजिस्टेंस कहते हैं, वायर का ही तो तुम ऐसे दिखा देते हो, लॉस इसमें होता था, इसमें कभी होता ही नहीं था, कैपेसिटर इंडक्टर कभी कभी नहीं करते। अच्छा एक बात बताओ, कैपेसिटर में फिर वो जो क्यू स्क्वायर बाय टू सी या जो इंडक्टर में हाफ एल आई स्क्वायर वो होती थी, उसके भीतर इंडक्टर के भीतर कैपेसिटर के भीतर एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला, और ये एनर्जी स्टोर यहां पे भी कर रहे हैं दो टेम्पररली कर रहे हैं, टेम्पररली समझ रहे हो, यस टेम्पररली, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, देखो आधी साइकिल में इधर एनर्जी स्टोर करेंगे, आधी साइकिल में इधर करेंगे, घूम फिर के वहीं पे आ जाएंगे, तो बीच बीच में मोमेंट होंगे जहां पे एनर्जी स्टोर कर रहे हैं और अपनी एनर्जी की डायरेक्शन, कभी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, कभी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इंडक्टर में बताऊंगा कभी क्लॉक वाइज मैग्नेटिक फील्ड, कभी एंटी क्लॉक वाइज मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे क्लॉक वाइज करंट, कभी एंटी क्लॉक वाइज करंट, तो वो टेम्पररली एनर्जी स्टोर कर, लेकिन ओवरऑल एक साइकिल के बाद जीरो कर दे रहे हैं। तो लिख लो इसको, फिर एक क्वेश्चन दो कैपेसिटर का।
कैपेसिटर में वॉटलेस करंट होती है। दो यस अच्छा ओके एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दूंगा और एक न्यूमेरिकल दूंगा। पहले एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कैपेसिटर को पुराने जमाने में याद करो हमारे घरों में ट्यूबलाइट लगे होते जब एलईडी नहीं होते थे तो एक चीज होती थी उसको बोलते थे कंडेंसर। वो ट्यूबलाइट नहीं थी लंबी वाली ट्यूबलाइट, तो एक चीज होती थी कंडेंसर। हाँ तो कंडेंसर एक्चुअली कैपेसिटर का ही पुराना नाम है। तो ये कंडेंसर है और ये वो ट्यूबलाइट है जिसको मैं इसे बल्ब के फॉर्म में दिखा रहा हूं। ये एक बल्ब है, यहां पे एक एसी सर्किट है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का। अब मेरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये है कि इस सर्किट की सब कुछ वही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाती है, तो अब मुझे बताओ इस बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो तीन ऑप्शन हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्ब और ब्राइटर हो जाएगा या बल्ब डिम हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा, डिम हो जाएगा या सेम रहेगा। डिम मतलब सर डिम, डिमर कम ब्राइटनेस दे, सेम रहेगा या और ब्राइटर हो जाएगा, तुमको ये बताना। ब्राइट होगा, सबका ये फाइनल आंसर, और बाकी लोगों का भी बता दो अपना आंसर। बाकी लोग कुछ बताओगे? सब ब्राइट ब्राइट सब ब्राइट। चलो फ्रीक्वेंसी बढ़ी, फ्रीक्वेंसी बढ़ी, ये सी है तो एक्सी इज अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी से इस सर्किट का जो एक्सी होगा यानी कि जो रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ ऑपोजिशन है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो एक्सी घट रहा है, एक्सी घटेगा तो बल्ब का तो कुछ रेजिस्टेंस होगा। वैसे तो ये आरसी सर्किट है और आरसी सर्किट अभी मैं कराऊंगा, बट ओवरऑल आर तो वही है ना, सी घट गया यानी अपोजिशन घट गया, और अपोजिशन घट गया जेड घट गया, तो जेड घट गया तो करंट जो होगी आई नॉट बाई इज इक्वल टू वी नॉट बाई जेड से करंट बढ़ जाएगी, और अगर करंट बढ़ जाएगी तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर। अब तुम ये मत बोला वी स्क्वायर बाय आर क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि दोनों सीरीज में इन दोनों में वोल्टेज अलग अलग होगा बट करंट सेम होगी, तो अगर करंट बढ़ गई तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर से पावर बढ़ जाएगा, और जब बल्ब में पावर बढ़ जाती है, बल्ब में पावर बढ़ जाती है, बल्ब ज्यादा हीट, बल्ब ज्यादा लाइट देने लगता है, तो ऑफकोर्स ब्राइटनेस बढ़नी ही चाहिए, इसलिए करेक्ट आंसर ये दोनों गलत डेमो से। बोलो बेटा समझ में आया? यस। चलो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल देने जा रहा हूं, पिछली बार की तरह फिर हर बार मैं यही वैल्यू लूंगा घर वाली 220√2 साइन 100π/T। एक कैपेसिटिव सर्किट में फीड कर दिया, ये कैपेसिटर है और इसकी वैल्यू है 40/π माइक्रो फैराड, पाई है ये। तुमको बताना है आई नॉट, आई आर एम एस, आई एवरेज एक साइकिल के लिए, फिर तुम्हें बताना आई इंस्टेंटेनियस, आई की वैल्यू टी इज इक्वल टू 0 पे, आई की वैल्यू टी इज इक्वल टू 1 पे, फिर तुम्हें बताना है सर्किल में सर्किट में एवरेज पावर कंजम्पशन, फिर तुम्हें बताना है पावर फैक्टर, सारी चीजें जल्दी से करके बताओ। कर दूंगा बेटा, यही वाला ना, ये बल्ब ब्राइटनेस वाला। देखो बेटा क्वेश्चन ये था कि अगर इस एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो मैं स्टेप वाइज बोल रहा हूं, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा तो एक्सी कैपेसिटर का कंट्रीब्यूशन रेजिस्टेंस में 1/ωc, ओमेगा अगर ज्यादा होगा तो ये डिनोमिनेटर में है, नीचे आ रहा है, तो जितना ओमेगा बढ़ेगा एक्सी उतना घटेगा। बोलो बेटा इसमें एक्सी घटेगा, अगर एक्सी घटेगा तो एक्सी और आर बल्ब का कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, एक्सी और आर मिलके इंपीडेंस बनता है जेड, तो अगर एक्सी घटा आर वही रहा तो इंपीडेंस, एक्सी घट गया ना अपोजिशन घट गया
कैपिटल ने अपना 10 ओम पहले लगा था तो अब सिर्फ 2 ओम लगा रहा है पोजीशन, तो अब ओम में जो नेट इंपीडेंस होगा सर्किट का वो घट गया, और अगर इंपीडेंस जेड घट गया तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड से, वोल्टेज तो वही है लेकिन करंट घट गई, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाय जेड। मैंने बोला ना कि वोल्टेज को इनपुट लिया करो, करंट को आउटपुट लिया करो, करंट अब जेड के घट जाने से करंट बढ़ गई, और अगर करंट बढ़ गई तो बल्ब में जो पावर कंजम्पशन होता है आई आर एम एस का स्क्वायर आर, करंट अगर बढ़ गई तो यहाँ पे पावर बढ़ गया, और बल्ब में पावर बढ़ने का मतलब बल्ब ज्यादा एनर्जी निकाल रहा है पर यूनिट टाइम, यानी कि बल्ब ज्यादा एनर्जी निकाल लेगा तो बल्ब की ज्यादा ब्राइटनेस आएगी, इससे बल्ब ब्राइटर होगा। ठीक, अभी ये वाला क्वेश्चन का डालो। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन और पूछना चाहिए था, एक्सी और जेड बताओ, तो वो तो खैर निकालो के बिना उसके तो सब निकलेगा ही नहीं। फाइन 100 बाई टी, 100 बाई टी। जेड निकला है, एक्सी एक्सी निकला, यस सर, कितना 1/4000 एक्सी 1/ωc। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा, ओमेगा 100 पाई है, v इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी, तो फैराड में नहीं चेंज करेंगे, 100 पाई तो 1/ωc, तो ओमेगा तुम रखोगे 100 पाई, c की वैल्यू है 40/π माइक्रोफेरेड, 40/π माइक्रो 10^-6 फैरेड, माइक्रो फैरेड है तो 10^-6 फैरेड एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जब ऐसा करोगे तो देखो पाई से पाई तो कट जाएगा, और लेकिन ऊपर जो है ये देखो 10^-6 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आएगा 10^6, और ये 100 × 40 ये आ जाएगा 10^3 × 4, तो 10^6 को काट देगा तो 10^3 यानी कि 1000 बचेगा अपॉन 4 यानी कि 250, और ये ओम में आता है, अगर सब एसआई में करोगे तो ओम में आएगा, ये आना चाहिए, ये आ रहा है ना। तो बाकी लोगों ने, हाँ बाकी लोगों ने क्या गड़बड़ की थी, माइक्रो भूल गए थे, माइक्रो फराड में, अच्छा चलो बाकी करो फिर, आई नॉट आई आरएमएस आई एवरेज पावर पावर फैक्टर। सर आई नॉट 22√2/25 आ रहा है, आई नॉट आएगा वी नॉट बाय जेड, तो 220√2/z यही है 250, तो ऑब्वियसली ये 0 0 कट जाएगा तो 22/25√2। आई आर एम एस आई नॉट बाई रूट टू, इसी को रूट टू से डिवाइड कर दो तो 22/25 एम्पियर, सब एसआई में कर रहे हैं, ये वोल्ट था तो ये वोल्ट है तो सब एम्पियर में आ रहा है, ये ओम में आ रहा है, सब अपने एसआई में, आई एवरेज तो 0 ही होगा किसी भी एसी करंट का, हाँ 0 होता है, और हाफ साइकिल में 2I0/π होता है, हाफ साइकिल में 2I0/π याद रखना, बार बार मैं बोल रहा हूँ ताकि तुमको याद हो जाए सबको,
आई इंस्टेंटेनियस की जब बारी आएगी तो यहाँ पे तुमको करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखनी होती है, तो इसको लिखना बेटा आई इज इक्वल टू आई नॉट 22 अपॉन 25 रूट 2 साइन, ये पूरा कॉपी कर देना बट एक फेज डिफरेंस के साथ, और वो फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री, और वो माइनस ना करना प्लस करना, प्लस 90 डिग्री, ये करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अगर ये लिख लोगे तो इसके बाद के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, 0 पे 1 पे किसी भी मोमेंट पे पूछे, ये करंट सबकी आ जाए तो मुझे 0 और 1 पे बताओ कितनी आ रही है। 0 पे देखो t इक्वल टू 0 पे 0 नहीं आ रही होगी इस बार, t इक्वल टू 0 पे वोल्टेज जरूर 0 है, बट देखना इस बार करंट मैक्सिमम आ रही होगी। I equals to I naught. हाँ, 22/25 root 2 आ रही होगी। और t is equal to 1 पे कितनी आ रही? The same आएगा वही। Same आएगा क्योंकि 100 pi cycles complete हो जाएंगे। हाँ। Power average कितना आ रहा है? तो 0 आएगा। तो आने या नहीं? 0 तो। Factor भी? 0. 0. ठीक। तो अभी सबका हो गया हो तो एक चीज अब के बाद से दिमाग में बैठा के रखना, रेजिस्टिव सर्किट में जो लास्ट क्लास में किया था प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, अगर याद करो तो उसमें करंट और वोल्टेज सेम फेज में थी, ये याद करते हुए चलना, करंट और वोल्टेज सेम फेज में। लेकिन कैपेसिटिव सर्किट में करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस है 90 का, करंट आगे आगे वोल्टेज पीछे पीछे, लिखा है करंट लीड्स द वोल्टेज बाई एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब हम लोग करने जा रहे हैं तीसरा प्योरली इंडक्टिव सर्किट, केस 3 कॉपी में लिखना प्योरली इंडक्टिव सर्किट। पिछले में किसी को दिक्कत तो नहीं? कोई नहीं सर। सर हाँ बोलो बेटा, टी इक्वल्स टू 1 का कैसे निकाला था? अभी बता रहे बेटा, एक सेकंड रुको। यहाँ पे इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बाहर तो कह रहा आई नॉट है, तो ये बचेगा आई नॉट साइन टी की जगह 1 रखा तो 100 पाई प्लस पाई बाई 2, 90 को पाई बाई 2, अब 100 पाई तो बेटा तुम लोगों ने ऐसा तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि साइन 2n पाई अगर करते हैं, और साइन 2n पाई प्लस थीटा करते हैं तो वो साइन थीटा ही आता है, याद आ रहा ट्रिग्नोमेट्री में, एन इंटीजर हो बस, 2π की मल्टीपल, 2π के बाद घूम के वहीं आ जाते हो ना। yes, तो बेटा 100 पाई तो 50 बार घूम जाओगे, 50 into 2π लिखा है, 50 बार घूम के वहीं तो आ जाओगे, ये 2n पाई तो लिखा है, ये 100 पाई 2n पाई तो लिखा है, sin 2n पाई + π / 2, देखो ये लिखा है sin 2n पाई + थीटा, sin 2n पाई + थीटा, sin थीटा। बोलो बेटा जिसने पूछा था उसको समझ में आया? अच्छा चलो, तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट करते हैं। प्योरली इंडक्टिव सर्किट करने जा रहे हैं, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर है, एक इंडक्टर मतलब एक सोलेनोइड कॉइल, जैसे होते तो किसी भी सेफ साइज की हो सकती है, ऐसा कुछ तो ही ना है, लेकिन हम मान जो फिगर बनाएंगे तो हम एक सोलेनोइड कॉइल ही दिखाएंगे, इंडक्टर मतलब सोलेनोइड कॉइल। तो एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट है जिसमें प्योर एक सोलेनॉइड है कुछ इस तरीके से, ये इसका इंडक्टेंस L है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कोर्स, और ये एक सर्किट है जिसमें हमने V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा T फीड कर दिया, वोल्टेज इनपुट में करंट आउटपुट में I मान ली, वोल्टेज ऐसे दिखाते हैं, एक साइन वेव दिखा देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि एक एसी सोर्स लगाया है। अब हर बार की तरह मैं हमेशा हमेशा ऐसे क्वेश्चन किरचॉफ लॉ से स्टार्ट करूंगा, तो किरचॉफ लॉ में वो वोल्टेज चाहिए होता तो ये तो वोल्टेज वी नॉट साइन ओमेगा टी है, बट ये कितना है? तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि इंडक्टर में करंट के अलोंग एक वोल्टेज ड्रॉप होता है एल डी आई बाई डी टी का। yes. जैसे रजिस्टर में आई आर का होता है, कैपेसिटर में Q बाई सी होता है, इंडक्टर में एल डी आई बाई डी टी, करंट के चेंज की वजह से। इंडक्टर क्या है? इंडक्टर इज
समथिंग विच अपोजेस चेंज इन करंट, क्योंकि जब करंट बदलती है तो फील्ड बदलती है, फील्ड बदलती तो फ्लक्स बदलता है, फ्लक्स बदलता तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस क्या करता है, इट अपोजेस द कॉजल फैक्टर, तो इट अपोजेस द चेंज इन करंट, जिसकी वजह से करंट बदले उसको बदले। अब करंट किसकी वजह से बदले, इस एसी सोर्स की वजह से, तो इंडक्टर में लगातार एक वोल्टेज आता रहेगा जो इसके पीछे पड़ा है, क्यों बदल रहा है, क्योंकि डीसी सर्किट में तो इंडक्टर एक बार तुम्हारा करंट बदलना बंद गई तो डीसी सर्किट में इंडक्टर डब्बा हो गया, लेकिन एसी सर्किट में नहीं होता, क्योंकि लगातार यहाँ वोल्टेज बदलता रहता है, लगातार यहाँ पे करंट बदलती रहती है, लगातार करंट बदलती रहती तो लगातार इसमें अपोजिशन होता रहता है उसको, करंट के चेंज को अपोज करने के लिए, चेंज को अपोज करता है, तो लगातार यहाँ पे इंडक्टर सर्किट में बना रहता है, इसलिए डीसी सर्किट में जो डब्बा हो जाता था थोड़ी देर बाद जब करंट कॉन्स्टेंट हो, यहाँ नहीं होता, यहाँ क्योंकि लगातार चेंज ही होती रहती है चीजें। तो अब मैं ईएमएफ लिखने, यहाँ पे किरचॉफ लॉ लिखने जा रहा हूँ, किरचॉफ लॉ से इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, किरचॉफ लूप इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। किरचॉफ लूप इक्वेशन कहती है सम ऑफ वोल्टेज गेन एंड ड्रॉप, और किसी भी सर्किट में गेन और ड्रॉप मिलकर जीरो, मतलब अगर जितना गेन है उतना ड्रॉप, दो ही चीजें हैं तो पक्की बात है एक गेन है दूसरा ड्रॉप है, गेन कितना वी नॉट साइन ओमेगा टी, ड्रॉप कितना तो माइनस का एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, इधर ले आओ माइनस वाला टर्म, सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ, इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। यहां तक कोई दिक्कत, ये तो सिंपली किरचॉफ इक्वेशन है, एल डी आई बाई डी टी पढ़ा होगा मुझे लग रहा है ईएमआई में, तो ये नया नहीं लग रहा हूं तुम लोगों को। अब मैं क्या करूं, डी टी वाले टर्म एक साथ, एक साइड रखो सिर्फ डी आई, एक साइड रखो वी नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी, बाकी सारे टर्म एक साथ, वी नॉट वैसे ही कॉन्स्टेंट, एल वैसे ही कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल तो खाली टाइम का फंक्शन है इधर, और इधर आई का फंक्शन है, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेट कर रहे हैं और हम लोग लिमिट्स नहीं रख रहे हैं, तो वैसे तो एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आना चाहिए, बट एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जब एक्सपेरिमेंटली चेक करते हो, वैसे भी साइनोसॉइडल लगातार बदल रहे हैं, तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जीरो आता है, तो ये टर्म इंटीग्रल डी आई वाला बन जाता है आई, वी नॉट बाहर, एल तो वैसे ही कॉन्स्टेंट बाहर है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, जो ओमेगा आ रहा है वो इसके साथ लिख लिया मैंने, ये बन गया आई इज इक्वल टू वी नॉट बाई ओमेगा एल माइनस बाहर लिख लेता हूं कॉस ओमेगा टी कॉस थीटा को मैं लिख लू साइन 90 माइनस थीटा, और एक इसके बाद एक स्टेप और करूंगा और मैं लिख भी देता हूं ब्रैकेट में जिससे तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो कि माइनस साइन थीटा कैन ऑलवेज बी रिटन एज साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा है तो इस माइनस साइन को अंदर ले आओ तो माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर थीटा में, ये थीटा पूरा है तो इसमें माइनस मल्टीप्लाई होगा तो उल्टा हो जाएगा, तो बन जाएगा वी नॉट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। नॉट बाई ओमेगा है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये देख लो बेटा यहां तक मैं रुका हुआ हूं, यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछ। नहीं सर चलिए। अच्छा सबने लिख लिया? यस अच्छा रुके, जैसे हो जाए तो बेटा बता देना सबका हो गया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक, तो अगले में मैं ये जो आया था मेरा एक्सप्रेशन,
इसको मैं स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से कंपेयर करूंगा, वो मेरा आया था वी नॉट बाई ओमेगा एल, वी नॉट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये आया था और मैं इसको कंपेयर करूंगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से कंपेयर करूंगा, और आई नॉट जहां पे हम लोग मान के चलते हैं कि वी नॉट बाई जेड है, सबसे पहले जेड देखते हैं, ये चीज आई नॉट वी नॉट बाई जेड होती है, सीधे लिख लेते हैं, ये चीज आई नॉट वी नॉट बाई जेड होती है। तो जेड का काम कौन कर रहा है? जाहिर सी बात है इस सर्किट में कोई रजिस्टर नहीं है, कोई कैपेसिटर नहीं है, इसीलिए सर्किट का नाम था प्योरली, प्योर मतलब सिर्फ वही है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो एक इंडक्टिव सर्किट में हम लोग तो बोल लेते हैं कि जो अपोजिशन होता है, रिएक्टेंस होता है, उसको एक्सएल बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, इसका नाम ही है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये भी एक ओम में एक चीज होती है। तो कितनी आई इंडक्टिव रिएक्टेंस? तो ये एक्सएल हमारे सामने सामने दिख रहा है, जेड इज इक्वल टू एक्सएल, इस बार पिछली बार अपन ओमेगा सी आया था, इस बार तो जेड सीधे सीधे ओमेगा एल आ रहा है, एक्सएल का फॉर्मूला आ गया। मैं सामने सामने लिख दे रहा हूं, रजिस्टर में आर एक्स सी आया था कैप्चर रिएक्टेंस वन अपॉन ओमेगा सी, इंडक्टर में एक्सएल आया है ओमेगा एल, ये तीन चीजें होती हैं जो इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, और इन तीनों का जो नेट होता है उसको जेड बोलते हैं। जेड में आर एक्सएल एक्सी तीनों आते हैं, मान लो दो जीरो है सिर्फ आर आ रहा है, कभी सिर्फ एक्सी आ रहा है, कभी एक्सएल आ रहा है, मान लो दो होते तो आर ओ एक्सी आएगा या आर एक्सएल आएगा या एक्सी एक्सएल आएगा, तीनों है तो आर भी आएगा एक्सएल भी आएगा एक्सी भी आएगा। मान लो एक सर्किट बहुत सारे रजिस्टर हैं, बहुत सारे कैपेसिटर हैं, बहुत सारे इंडक्टर हैं, तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, फिर आर एक्सएल एक्सी को कैसे करोगे क्या उनके साथ आगे, तो मैं बताऊंगा, बट उन सबका नेट कॉन्ट्रीब्यूशन जेड कहलाता है। ये इम्पिडेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रिएक्टेंस है, ये रिएक्टेंस है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल। अब फाइव बताओ बेटा कितना आ रहा है? -90 और माइनस का मतलब एक एक होता है आगे आगे भागना, लीड करना, एक होता है पीछे चलना, लैग करना। तो यहां पे करंट लैग करती है, इंडक्टर में करंट लैग करती है पीछे, बिहाइंड, जैसे वहां पे करंट लीड करती थी तो लैग्स अहेड बोलना चाहिए था मुझे, और यहां पे मैं बोलूंगा करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, पीछे भागती है वोल्टेज से। बाई कितना? 0, 30, 45, 60 कोई वैल्यू होगी, 90 डिग्री, 90 डिग्री से लैग करती है, 90 डिग्री से लैग करती है। इंडक्टर में करंट 90 डिग्री से लैग करती है। अब इन सारी चीजों को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो एक्सएल ओमेगा एल आया है, अगर एक्सएल ओमेगा एल आया है तो पिछली बार की तरह अगर मैं एक्सएल का ओमेगा के साथ ग्राफ बनाऊं तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं आएगा, एल इंडक्टर का कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो ये आएगा वाई इज इक्वल टू एम एक्स, हाँ वाई इज इक्वल टू एम एक्स, यानी कि स्ट्रेट लाइन विद सम स्लोप। अब वो क्या था कि वो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पे घटता जा रहा था, देखो उसका ग्राफ अगर भूल गए हो तो दिखा दूं, वो देखो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पे घट रहा था और कम फ्रीक्वेंसी पे बहुत ज्यादा था, लेकिन ये उल्टा चल रहा है, ये कम फ्रीक्वेंसी पे बहुत कम है। अगर तुम जीरो की तरफ ले लो फ्रीक्वेंसी, जीरो की तरफ ले लो फ्रीक्वेंसी, तो ये जीरो ही है ऑलमोस्ट, और अगर तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो ये एक्सएल इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर इंडक्टर किसी सर्किट में लगा हुआ है और वहां पे कम फ्रीक्वेंसीज हैं तो ये इतना कम अपोजिशन देगा कि करंट बहुत ज्यादा आएगी, यानी कि ये लो फ्रीक्वेंसीज को करंट पास कर देगा, लो फ्रीक्वेंसीज ही करंट को पास कर देगा, यानी कि ये लो फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक नहीं करता है, ये ब्लॉकर बनेगा हाई फ्रीक्वेंसीज का। तो अगर मुझे कहीं लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी दोनों ब्लॉक करनी तो मैं इंडक्टर कैपेसिटर दोनों यूज करूंगा, जैसे कि लैपटॉप में। यहां पे क्या होगा, जब हाई फ्रीक्वेंसीज होंगी तो देखो हाई फ्रीक्वेंसीज पे एक्सएल इंफिनिटी की तरफ जाएगा,
और एक्सएल अगर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, जेड इन्फिनिटी जाएगा तो करंट जीरो की तरफ जाएगी, तो यानी कि करंट को पास नहीं करेगा। करंट जीरो का मतलब यही कि करंट चल नहीं रही है, करंट चलने नहीं दे रहा है इंडक्टर। तो इन्फ्रारेड फ्रिक्वेंसीज पे इंडक्टर करंट को ब्लॉक कर देता है। कोई चीज अगर बहुत जल्दी जल्दी बदलेगी तो इतना ज्यादा अपोजिशन आ जाएगा कि वो अपोजिशन ही इतना ज्यादा आ गया कि वो करंट बहने नहीं दे रहा है, इसलिए ये हाई फ्रिक्वेंसीज का ब्लॉकर होता है। इट ब्लॉक्स हाई फ्रिक्वेंसीज, इंडक्टर ब्लॉक्स हाई फ्रिक्वेंसीज। इंडक्टर ब्लॉक्स हाई फ्रिक्वेंसीज, कैपेसिटर ब्लॉक्स लो फ्रिक्वेंसी। उल्टा है, कैपेसिटर ब्लॉक्स लो फ्रिक्वेंसी, कैपेसिटर इज हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर का मतलब हाई फ्रिक्वेंसीज को पास कर देता है। ये हाई फ्रिक्वेंसीज को ब्लॉक कर देता है, तो इंडक्टर लो पास फिल्टर है, लो फ्रिक्वेंसीज को पास कर देता है। अब फेज डिफरेंस माइनस 90 का बना रहा हूं, ये देखो वोल्टेज है टाइम के साथ, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ये ऐसे था, ये तो खैर बार बार बना रहा हूं, ये तो वही है ऐसे, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब करंट जो आई है हमारी, वो आई है ये I इज इक्वल टू I नॉट, ये वोल्टेज है। करंट आई है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब माइनस का मतलब याद करो, मैंने वही फिर वही बोल रहा हूँ कि जो शुरुआत की क्लास में मैंने बताया था, वो इसी दिन के लिए बताया था। हाँ, वो कहाँ भागेगी माइनस होने से? पिछली बार प्लस था तो इधर शिफ्ट कराया, इस बार आगे ले जाएंगे, राइट? हाँ, आगे ले जाएंगे। इस ग्राफ को ऐसे समझो, ये ऐसे, इसको पीछे नहीं ले जाएंगे, इस बार इसको आगे ले जाएंगे। ये हटा देता हूँ, ये तो पिछले वाले को समझाने के लिए मैंने बताया था, खाली इस बार तुम्हारा माइनस होने से इसको आगे ले जाएंगे। तो इस ग्राफ को 90 डिग्री आगे ले जाओ, 90 डिग्री आगे ले जाओ, तो ये इधर जब जाएगा तो ये वाली जो चीज है वो आगे खिसक जाएगी, तो ये जो पीछे है वो आगे आ जाएगा। मतलब ये जो चीज पीछे माइनस 90 पे, वो जीरो से स्टार्ट होगी, यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, ऐसे स्टार्ट पूरा। ये पीक है यहाँ पे, ये होगा आई का ग्राफ। अब मैं तो एक एक वैल्यू भी लेके बता रहा हूं। जब वोल्टेज t इक्वल टू जीरो पे जीरो है, तो t इक्वल टू जीरो रखोगे तो आई आएगा आई नॉट साइन माइनस 90। साइन माइनस 90 की वैल्यू माइनस 1, यानी कि करंट उस समय माइनस आई नॉट है। जब वोल्टेज जीरो है तो करंट माइनस आई नॉट का मतलब क्या है? वोल्टेज माइनस वी नॉट 90 डिग्री पहले ही कर चुका है, अब जाके करंट उस पे वो वैल्यू ला रहा है जो वोल्टेज पहले ही 90 डिग्री कर चुका है, यानी कि करंट पीछे पीछे भाग रही है। उसमें कहा था कि करंट पिछली बार में कैपेसिटर में यहां थी, 90 डिग्री आगे आगे भाग रही थी। पिछली बार कैपेसिटर में करंट यहां पे थी, इंडक्टर में करंट यहां से स्टार्ट कर रही है। देखो ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है 90 डिग्री पीछे से, इसलिए हम बोलते हैं कि करंट पीछे पीछे चलना, यानी कि लैग करना, बिहाइंड मतलब पीछे पीछे चलना, करंट लैग करती है इंडक्टर में बाय 90 डिग्री पीछे पीछे, कैपेसिटर में करंट आगे आगे। और इसको याद रखने के लिए एक एक फॉर्मूला है, अगर अभी शुरुआत में पहली बार पढ़ रहे हो तो याद रखना ही बड़ी बात है। एक फॉर्मूला है सिविल, क्या ये फॉर्मूला सिविल? तो ये जो आई और वी है, इसको ऐसे पढ़ना कि सी आई वी आई एल, कैपेसिटर में करंट आगे वोल्टेज से, सी आई वी, कैपेसिटर में करंट आगे वोल्टेज से। अभी क्या था, कैपेसिटर करंट वोल्टेज से आगे थी, कितना आगे थी? 90 डिग्री। और फिर देखो वी आई एल, इसको ऐसे रीड करना कि इंडक्टर में वोल्टेज आगे करंट से, इंडक्टर में वोल्टेज आगे करंट से। तो देखो वोल्टेज आगे आगे, करंट पीछे पीछे, वोल्टेज आगे आगे, करंट पीछे पीछे। तो कैपेसिटर में सी आई वी, करंट आगे वोल्टेज पीछे, और वी आई एल, वोल्टेज आगे करंट पीछे इन इंडक्टर सिविल। तो इंडक्टर में करंट पीछे पीछे चलती है, कैपेसिटर में करंट आगे आगे चलती थी, इंडक्टर में करंट पीछे पीछे चलती है 90 डिग्री के फेज डिफरेंस से। इसी को अगर मैं पिछली बार की तरह उसके फॉर्म में दिखाऊं, फेज के फॉर्म में दिखाऊं, फेजर के फॉर्म में दिखाऊं, तो फेजर कैसा बनेगा? तो देखो बेटा, ऐसा बनेगा फेजर कि वोल्टेज को मैंने रेफरेंस दिखाया V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट माइनस 90 है। तो अगर हम
एंटी क्लॉकवाइज प्लस बोलते हैं तो माइनस का मतलब क्लॉक चलेंगे, और ये दिखाएंगे आई नॉट इंडक्टर में करंट पीछे पीछे वोल्टेज से। ये तो बार बार बोलो इंडक्टर में करंट लैग करती तो पीछे चलेगी, कैपेसिटर में करंट आगे आती थी 90 डिग्री ऊपर दिखाते थे या नीचे दिखाओगे। और जरूर नहीं कि विनोट को ऐसे ही दिखाओ, विनोट को ऐसे भी दिखा सकते हो, तो 90 डिग्री पीछे का मतलब ये हो जाएगा, तब करंट ऐसे दिखा दो, तुम विनोट ऐसे दिखाओ तो फिर इससे 90 डिग्री पीछे करंट ऐसे दिखा दो इंडक्टर में। ये सब कहलाते हैं फेजर डायग्राम्स, फेज के फॉर्म में दिखाऊंगा। ये फेजर डायग्राम्स, ये एक्रोनिम है याद रखने के लिए। कैपेसिटर में करंट आगे वोल्टेज से और वोल्टेज आगे करंट से इंडक्टर में एल में। सर ये लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर के बारे में आपने क्या बताया था? मैंने ये बोला था कि कैपेसिटर लो फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक कर देता है, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसीज को पास कर देता है, इसलिए कैपेसिटर हाई पास फिल्टर है। इंडक्टर हाई फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक कर देता है, लो फ्रीक्वेंसीज को पास कर देता है, इसलिए इंडक्टर लो पास फिल्टर है। और अगर हमें दोनों फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक करना हो तो कैपेसिटर इंडक्टर दोनों यूज करते हैं, इस तरीके से उनकी वैल्यू यूज करते हैं, जैसे हमारे वेरिएशंस जो हो रहे हैं फ्रीक्वेंसी के, हमारे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट खराब ना हो। इसलिए मैं तुमको बोला था कि स्टेशन के पास तुमने देखा होगा टाइप से घूमी घूमी कॉइल लगी रहती है, वो सब कैपेसिटर्स होते हैं, और कैपेसिटर का बैंक होता है, वो कैपेसिटर का बैंक लगाते हैं जहां से वो फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि पावर हाउस में वो ऐसा नहीं कि वो जो घूम रही है टर्बाइन वो बिल्कुल एक ही फ्रीक्वेंसी से घूम रही है 1 सेकंड में 50 बार, कभी कभी कम ज्यादा होता है ना, वो कम ज्यादा वाले वेरिएशन को ट्रांसफार्मर के एंड, यहाँ पे जो पावर हाउस होता है उस पावर स्टेशन के एंड पे उन फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक किया जाता है, उन फ्रीक्वेंसीज से हम सिर्फ वही फ्रीक्वेंसीज को आगे पास करने देते हैं 50 हर्ट्ज वाली जो हमें चाहिए, ज्यादा बड़ी और ज्यादा छोटी हटा दी जाती है। सर ये लो और हाई दोनों को ब्लॉक करने के लिए सीरीज में यूज करते हैं इंडक्टर कैपेसिटर? हाँ सीरीज में यूज करते हैं, पर कैसे करते हैं वो थोड़ा थोड़ा बताऊंगा अभी अभी। सर ये जो दो ग्राफ्स आपने बनाया सर, बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी और आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो v इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी तो नॉर्मल साइनोसॉइडल ग्राफ है, देखो t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ है तो साइन थीटा का ग्राफ है। i वाला जो ग्राफ है वो स्पेशल है क्योंकि उसमें एक फेज डिफरेंस आ रही पाई बाय टू, तो अगर याद करो ना भी याद चलो जो भूल जाओ पुराने मैंने क्या पढ़ाया था, तो मैं इस ग्राफ को बनाना चाहता हूं। देखो मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा कि ये भी साइनसोइडल ग्राफ होगा, बट ये t इज इक्वल टू 0 पे 0 से स्टार्ट नहीं होगा, तो सबसे पहले देखो 0 पे वैल्यू कितनी है, तो अगर मैं यहाँ पे t 0 रखूं तो यहाँ पे ये आएगा साइन माइनस 90,
साइन माइनस टेन टी की वैल्यू माइनस वन होती है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर ये ग्राफ माइनस आई नॉट से स्टार्ट हो रहा है, वी वाला जीरो से स्टार्ट हो रहा था, ये माइनस आई नॉट से स्टार्ट हो रहा है, और 90 डिग्री आगे बढ़ने के बाद जब ये जो वोल्टेज है साइन 90 पे वन हो जाएगा, वोल्टेज वन हो गया, मैक्सिमम हो गया, और 90 डिग्री जब यहाँ पे आओगे तो साइन 90 माइनस 90 मतलब ओमेगा टी की वैल्यू जब 90 होगी तो ये तो वन है, बट ओमेगा टी जब 90 होगा तो 90 में से 90 के तो साइन जीरो, ये जीरो देगा, तो ये जो देखो वोल्टेज है मैक्सिमम पहुंच रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग करंट पहुंच रही है जीरो, वोल्टेज मैक्सिमम करंट जीरो, वोल्टेज जीरो करंट मैक्सिमम, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस, लेकिन इस बार क्या है कि जब वोल्टेज जीरो तो करंट पॉजिटिव में मैक्सिमम ना होके नेगेटिव में मैक्सिमम है, इसलिए बोल रहे हैं कि ये पीछे पीछे भाग रहा है, क्यों, क्योंकि वोल्टेज तो नेगेटिव में मैक्सिमम कब का हो चुका, इसका ग्राफ का नेचर ऐसे ऐसे इस साइकिल को ये पीछे 90 डिग्री पहले कभी हुआ होगा ये, तो ये 90 डिग्री अब ये हो रहा है, तो यानी कि पीछे पीछे दौड़ता हुआ आ रहा है, इसे अगर तुम करंट को इस वाले ग्राफ पे दौड़ाते हो आओ, इस वाले ग्राफ पे दौड़ाते हो आओगे तो करंट यहाँ पे पहुंचेगी, तो वोल्टेज से तो पीछे, पिछली बार करंट यहाँ पहुंच गई थी वोल्टेज से आगे थी, तो करंट दौड़ में आगे आगे भाग रहा था, इस बार करंट दौड़ में पीछे पीछे चल रहा है, तो इंडक्टर में करंट पीछे पीछे भागती है वोल्टेज से, और कैपेसिटर में करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे आगे भागती है लीडिंग लैगिंग। सबने लिख लिया, yes. तो आगे बढ़ रहा हूं, इसमें yes. भी मैं वही चीज निकलवाऊंगा, पावर कंजम्पशन कितना हुआ, तो फिर वही बात, पावर कंजम्पशन वीआरएमएस आरएमएस कॉस फाई में, बार बार मैं तुमको बोल रहा हूँ, वीआरएमएस कॉस फाई में फाई 90 है, कॉस फाई कॉस 90 जीरो है, पावर फैक्टर जीरो है, फिर वही बात कि इंडक्टर में पावर कंजम्पशन जीरो कैसे, इंडक्टर में करंट तो चल रही है, हम हमेशा इसमें भेज रहे हैं, ये देखो करंट का ये ग्राफ है, करंट तो देखो ऐसे साइनसोइडल नेगेटिव मैक्सिमम जीरो, ये पूरा पूरा ग्राफ है, करंट तो बढ़ घट भी रही है, डायरेक्शन भी बदल रही है, करंट कभी इधर जा रही कभी इधर जा रही, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही, तो फिर पावर जीरो क्यों है, क्योंकि पावर कंज्यूम करने के लिए कुछ है ही नहीं, अब तुम बोलो कि पावर हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था हाफ एल आई स्क्वायर वो क्या था, तो बेटा जब देखो आधी साइकिल में ये प्लस ये माइनस, तो इसमें ये प्लस ये माइनस एक ऐसे करंट जा रही है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो हाफ एल आई स्क्वायर पड़ी थी वो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी पड़ी थी, लेकिन ये तुम देखो कि जब ये हाफ एल आई स्क्वायर करंट शुरुआत में स्टार्ट हुई एक साइकिल में ऐसे, तो कुछ एनर्जी थी, लेकिन एक साइकिल बाद देखो ये घटी घटी जीरो हुई, रिवर्स में मैक्सिमम हुई, एक साइकिल बाद तुम फिर वहीं पे आ जाते हो जहां से स्टार्ट किए थे, तुम कुछ चेंज ही नहीं करो, जैसे थे वैसे ही पहुंच गए, और एक साइकिल में ये क्या होगा, अपनी करंट डायरेक्शन रिवर्ट करेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी देर बाद ऐसी भी होगी, फिर हाफ एल आई स्क्वायर एनर्जी को डायरेक्शन नहीं होती बट फील्ड की तो होती है, फील्ड तो वेक्टर है, तो उसमें क्या है कि ये एक साइकिल बाद घूम फिर के सर्किट बिल्कुल वैसे ही पहुंच जाता है, और ये फील्ड में जो एनर्जी होती है वो बाहर हीट के फॉर्म में नहीं निकलती है, कभी नहीं बोला हाफ सीवी स्क्वायर हाफ एल आई स्क्वायर हीट होती है, ये यहीं अंदर रहती है, ये एनर्जी स्टोर रहती है, कैपेसिटर में हाफ सी वी स्क्वायर प्लेट्स के भीतर होती है एनर्जी, जबकि रेजिस्टेंस में जो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होती है वो कभी गीजर है वो वाली हीट वो बाहर निकल जाती है उससे, वो डिसिपेट हो जाती है सर्किट से, बट ये स्टोर होती है, इंडक्टर एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, और ये एनर्जी स्टोरेज डिवाइस टेम्परली तो एनर्जी स्टोर कर रहा है बट परमानेंटली नहीं कर रहा, कोई लॉस नहीं कर रहा, इसलिए फिर ये एक ऐसी करंट है जिसको बोलेंगे वॉटलेस करंट। तो वॉटलेस करंट किस में होती है, दो ही सर्किट में होती है वॉटलेस करंट, एक प्योरली कैपेसिटिव एक प्योरली इंडक्टिव, और रजिस्टर अगर है तो लॉस है। अब हमने माना एक अजम्पशन है प्योरली इंडक्टिव प्योरली कैपेसिटिव, अब मैं तुमको बोल रहा हूँ पढ़ाने के बाद बोल रहा हूँ, दुनिया में कोई सर्किट प्योरली इंडक्टिव प्योरली कैपेसिटिव नहीं होता, ये तो हम आइडियल बिहेवियर मान के स्टडी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तारों से जोड़ रहे होगे वायर से जोड़ रहे होगे, कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, तो कुछ ना कुछ तो जूल होटिंग होती ही है, कुछ ना कुछ जितना भी आइडियल बनाने की कोशिश करो तो कुछ ना कुछ लॉस होता ही होता है, लेकिन हम उस लॉस को अगर नेग्लेक्ट कर दें तो हम बोल सकते हैं कि वॉटलेस करंट टाइप की कोई चीज होती है, अदरवाइज कुछ ना कुछ लॉस जरूर होता है। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं,
बोलो बेटा। यस सर। टाइम हो गया सर। सर एक मिनट सर नोट कर ले। टाइम हो गया। अच्छा ये वाली क्लास। अच्छा चलो फिर 15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है? अगली की क्लास आपकी है क्या? हाँ बेटा अगली भी मेरी, आज मैं खत्म करा दूंगा काफी सारे सर्किट्स। ठीक तो थैंक यू। ओके थैंक यू।